हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टू मैन की सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड हम कवर कर रहे हैं और हमने थीसिस कैसे लिखनी चाहिए वो बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे फॉर्मेट या स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, बेसिकली रेफरेंस कैसे लिखा जाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे जो बुक में मेंशन है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिटेल में करवा चुकी हूँ। इन्होंने स्पेसिफिकली APA और MLA स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इन्होंने APA से रिलेटेड इस तरीके से इन्होंने क्या दे रखा है, एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है कि कैसे आप लिखेंगे, कि अच्छा राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, आपका पेज नंबर होना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, ऊपर इतना गैप होना चाहिए, ये फिर आपका टाइटल होना चाहिए। तो ये इन्होंने एक्चुअली पेज का फॉर्मेट दिया है। ओके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनफैक्ट जो MLA में इन्होंने दे रखा है वो तो बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से दिख ही नहीं रहा। ये तो फिर भी दिख रहा है, वो तो बहुत ब्लर है। सो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इन दोनों स्टाइल्स के लिए। देखिए, जब आप स्पेसिफिकली स्टाइल्स की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये इन टेक्स्ट साइटेशन से रिलेटेड है। सो इन टेक्स्ट साइटेशन में भी क्या बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे, कैसे पैरेंथेसिस जो चीज़ें लगेंगी, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कैसे कोटेशंस लगेंगी, कैसे आप पैराफ्रेजिंग करेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें जब आप रेफरेंस लिखने बैठते हैं एक पेपर के। और यूजुअली इसमें ICT का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंड नोट वगैरह, कुछ एक एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टली आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से क्या करके दिखा देंगी, साइटेशंस आपकी कर देंगी कि कैसे लिखना है आपने। ओके, सो वो रेफरेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी उन एप्स की या उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि दोनों में अगर आपके सामने रेफरेंसेस लिखे मिले तो आपको ये समझ आ जाए कि ये APA स्टाइल में लिखे हुए हैं, MLA स्टाइल में लिखे हुए, कैसे लिखे हुए हैं। ओके, सो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने गूगल स्कॉलर ओपन कर रखा है और उसमें मैंने ऐसे ही रैंडम मोटिवेशन टॉपिक डाल दिया, कोई भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो यहाँ सामने आ गए। अब इन रिसर्च पेपर्स में से जैसे यहाँ पे दो राइटर्स हैं, दो ऑथर हैं, यहाँ पे एक है, सो सबका लिखने का तरीका या साइटेशन का तरीका अलग अलग हो जाएगा। मान लो मैं ये जो एक टॉपिक है इसमें सिर्फ एक ही ऑथर है, W. Atkinson, okay? मैं देखूं कि साइट कैसे किया जा सकता है इसको। तो जब मैं साइट पे क्लिक करूंगी, सो आपको यहां पे एक सेकेंड, साइट पे क्लिक करते ही आपको यहां पे ये चीजें दिखेंगी। मैं जूम कर रही हूं, आई होप आपको अच्छे से दिख जाए। ये है Atkinson। ओके, सो अब MLA स्टाइल में इन्होंने Atkinson लिखा, जॉन विलियम इनका पूरा नाम लिखा। ओके, लेकिन APA स्टाइल में पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा, आप ये देखिए। ओके, JW लिख दिया, तो ये इसीलिए था कि ताकि बायसनेस वगैरह ना हो, आपको ना पता हो कौन है वो इंसान वगैरह वगैरह। सो ये एक तो मेजर डिफरेंस तो ये हो गया कि MLA स्टाइल में पूरा नाम आएगा, APA स्टाइल में नहीं आएगा। APA स्टाइल में नाम के जस्ट बाद ब्रैकेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ईयर देखने को मिलेगा, और बहुत बार ईयर के साथ साथ मंथ भी लिखा होता है, जुलाई वगैरह या जो भी होगा। ओके, लेकिन MLA में ईयर जो है वो लास्ट में आता है। ओके, MLA में कोटेड में है ये जो टॉपिक का नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन, जो टॉपिक हमारा रिसर्च का टॉपिक था। APA में ये कोट्स में नहीं है। इसके साथ साथ शिकागो, हार्वर्ड, वैंकोवर, तो अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे चीजें मेंशन है। APA MLA में यूजुअली पूछ ली जाती हैं चीजें, तो आपको एटलीस्ट इतना समझ आए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। ओके, कि पेज नंबर कहाँ लिखा जाएगा, पेज का फॉर्मेट क्या होगा, टाइटल की स्टाइलिंग कैसे होगी, या रेफरेंसेज कैसे लिखे जाएंगे। तो रेफरेंसेज लिखने का ये तरीका यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि एक तो MLA में पूरा नाम लिखा होता है, APA में वहां पे शॉर्ट में लिखा होता है JW, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईयर, यहाँ पे लास्ट में ईयर आता है, और ऐसे ही। अब अगर दो नाम लिखे हुए, एक से ज्यादा नाम है, जैसे ये दो नाम है, अगर मैं इन दो नाम को देखूं, जेड डोरिनिये और ई यूशियोदा। ओके, एक सेकेंड मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब MLA में क्या हो गया, अगेन पूरे नाम मेंशन है, APA में पूरा नाम मेंशन नहीं है। MLA में कोट्स में दे रखा है टॉपिक और लास्ट में ईयर दे रखा है, लेकिन APA में ईयर जो है वो नाम के जस्ट बाद है। ओके, अगर यहाँ पे ज्यादा नाम है, और भी ज्यादा, जैसे तीन नाम मैंने एक पेपर, ये रहे, ठीक है, मोटिवेशन टू सक्सीड, ये टॉपिक का नाम हो गया, ये तीन ऑथर्स हैं यहाँ पे, तो साइट करने के लिए मेरे रेफरेंसेस कैसे पता चलेंगे मुझे, ये देखिए जी। ठीक है, तो आप बस मेजर डिफरेंस याद रखिए, MLA स्टाइल में अगेन पूरे पूरे तीनों के नाम दे रखे हैं, फिर मोटिवेशन टू सक्सीड टॉपिक का नाम, और लास्ट में हमारे पास ईयर। यहां पे तीनों के पूरे नाम नहीं है, बट नाम तीनों के ही हैं। ओके, देन ईयर एंड देन मोटिवेशन टू सक्सीड, जो कि टॉपिक का नाम है, जो कि कोट्स में इन्होंने नहीं दे रखा।
ओके सो ये मेजर डिफरेंस जो है एमएलए और एपीए में आपको इस तरीके से याद रखना है, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको जब आप स्टाइल रेफरेंसेस के बारे में, अगर गलती से क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बुक्स में हर एक बुक में कुछ ना कुछ अलग चीज दी मिलेगी आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे, उस चीज को छोड़िए। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा, पेपर क्या है, वो अभी तक नहीं पूछा गया है। ओके सो इतना आपको पता होना चाहिए। एमएलए में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो बुक में ब्लर दिख रही है चीजें, अच्छे से नहीं समझ आ रहा, बट स्टिल जितना मैंने आपको बताया आप उतना कवर कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।